हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरब जी सिंह और आप देख रहे हैं टेक कैसे के। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि पोको M2 प्रो में आप फाइल्स को हाइड कैसे कर सकते हैं, मतलब फोटोज़, वीडियोस और ऑडियोज को कैसे हाइड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देर के बटे शुरू करते हैं। तो आप यहाँ से फोल्डर्स को भी हाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको फाइल मैनेजर में चले जाना है। फाइल मैनेजर में जाने के दोस्तों आपको यहाँ पर फाइल मैनेजर को ऐसे स्क्रॉल करना है नीचे की ओर। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, आपको ऐसे ऐसे स्क्रॉल करना है और आपको जो फाइल मैनेजर की जो हेडर, जो मतलब जहाँ पर आपकी फ़ोटोज़ वगैरह हाइड होगी, वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पैटर्न या फिर लॉक जो भी सेट कर लेना है। सेटिंग करने के बाद आपको, मैंने ये पहले से सेट किया हुआ है तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों हाइड करने के लिए आपको यहाँ पर थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है, यहाँ पर थ्री डॉट्स पर, और यहाँ पर ऐड फाइल्स पर क्लिक कर देना है। और यहाँ से आप चाहें तो फोल्डर भी पूरा का पूरा हाइड कर सकते हैं, ऐसे साइड में इसे सेलेक्ट कर लेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। नहीं तो आप चाहें तो जो है इसकी फ़ोटोज़ वगैरह फाइल्स वो भी यहाँ से हाइड कर सकते हैं। ऐसे फोल्डर को किसी को भी ओपन कर लेंगे, जिस जहाँ से भी आप फाइल्स को हाइड करना चाहते हैं। तो आपको सिंपली किसी भी फाइल को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, ऑडियो या वीडियो को, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे और ये आपकी फाइल है वो हाइड हो जाएगी। तो अनहाइड करने के लिए आपको फाइल पर ऐसे सिंपली लॉन्ग प्रेस कर देना है, रिमूव पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, ये अनहाइड हो जाएगी, और डिलीट भी कर सकते हैं। तो ऐसे आपको इसे हाइड और अनहाइड कर देना है।